एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और जय माता दी। तो जैसे कि मैंने बताया था, हमारे यहाँ जागरण है सोसाइटी में, तो यहाँ मेरी फ्रेंड है और उसकी डॉटर है, तो मैं उनका वीडियो शूट कर रही थी और मम्मी आगे जा रही है स्काई ब्लू साड़ी में। तो हम जा रहे हैं माता रानी को हाथ जोड़ने, प्रणाम करने। और जागरण हमारे यहाँ बहुत अच्छा हुआ था, तो यहाँ हम बैठे हैं मैं और काव्या। काव्या की थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी और काव्या के साथ बैठे हैं और इंजॉय कर रहे हैं भजन का, कीर्तन का, सॉरी भजन कीर्तन ही जो सिंगर्स गाने गाते हैं उसको इंजॉय कर रहे हैं। और बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे आज। तो काव्या को बड़ी मुश्किल से यहाँ बिठाया है मैंने। ताज़ा खबर काव्या की ना तबीयत वापे खराब हो गई और उसको खांसी हो रही है, बैठ नहीं थी, तब उसे मेडिसिन देने आए हैं। 12:15 हो रहे हैं, जागरण में बैठे हैं। अब मैं रुकूंगी, अच्छी डैडी जाएंगे, उसको नींद भी आ रही, क्योंकि उससे पहले जो दवाई थी उसमें थोड़ा नशा होता है ना, ये कहाँ बैठने देती है। आज मैंने वाली साड़ी पहनी थी और नीचे गए थे ना, ये मेरी करवा चौथ वाली साड़ी थी, मैंने ये पहन ली और सोचा था पूरी रात बैठे, बट काव्या ऊपर आ गई है तो उसके बाद जाएंगे थोड़ी देर बाद। काव्या सो गई थी तो मैं बालकनी से माता रानी के जो गीत होते हैं वो सुन रही थी, अच्छा लग रहा था। माता रानी को सॉरी भी बोल रही थी, सॉरी मैं जागरण में नहीं बैठ पाई क्योंकि काव्या की तबीयत ख़राब थी, बट जो झांकी होगी ना उसमें ज़रूर जाऊँगी। भैया रानी माफ़ करना, मैं जागरण में पूरी रात नहीं बैठ पाई। फ्रेंड्स साहब, मैं घर आ गई हूँ, काव्या भाप ले रही है, भाप लेते रहते थोड़ी थोड़ी सो रही है और अब मैं नहीं जा सकती, उसको खांसी हो रही है बहुत नॉन स्टॉप। कल पूरी रात नहीं सो पाई, इतनी खांसी थी नॉन स्टॉप और आज भी है, तो मैं भाप दे रही हूँ ताकि इसकी खांसी बंद हो जाए। ये मैंने मशीन बंद कर दी, इसकी आवाज़ आ रही है और अब मैं सोची साड़ी उतारूँ या नहीं उतारूँ, थोड़ी देर बाद उतारती हूँ सो जाए। तो काव्या जैसी सोई वैसे ही झाँक के आ गई थी, तो मैं जल्दी से नीचे उसको उठा के लाई, कपड़े तो मैंने उसके चेंज कर दिए थे और मैंने झाँकी के लिए ही नीचे आई क्योंकि मुझे ना जागरण में झाँकियाँ देखना बहुत पसंद है, स्पेशली काली माता जी की, शिव जी की और राधे कृष्ण जी की बहुत सारी होती हैं। और काव्या के फर्स्ट बर्थडे पे भी बहुत अच्छी अच्छी झाँकियाँ थी सुदामा की। कभी टाइम मिलेगा ना तो मैं आपको वो काव्या का फर्स्ट बर्थडे का वीडियो शेयर करूँगी, हमने बालाजी का जागरण कराया था और ये बहुत सुंदर झांकियाँ थी। मैंने कहा काव्या अगर ये मिस कर देगी तो कल को सुबह उठ के पूछेगी मम्मी मैं कहाँ हूँ, तो मैं इसलिए नीचे ले आई, तो उसे उठा भी दिया था मैंने, तो फिर उसने इंजॉय किया बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छे से राधा मतलब लग उनका मेकअप था, लग ही रहे थे रियल के राधा कृष्ण जी। आप भी इंजॉय कर पाते बट क्या करूँ, कॉपीराइट हमेशा आ जाता है, इस वजह से मैंने म्यूज़िक म्यूट कर दिया, बट आप म्यूज़िक सुनते तो आप बहुत इंजॉय कर रहे होते। और बाद में कृष्ण भगवान जी सभी को हाथ पकड़ पकड़ के ले गए हैं डांस करने के लिए। फिर मैंने काव्या को भी जबरदस्ती फोर्सफुली खड़ा किया, उसको नींद आ रही थी ऐसे कि डांस करो, उसको खांसी भी थी बट वो खड़ी हो गई, वो थोड़े थोड़े ठुमके, फिर उसका मन करा मारने का। मैं उसे ऐसे ही डांस वांस होता है भीड़ तो मैं उसको कहती हूँ डांस करो तो कर लेती है। तब आ रही है सुदामा जी की झांकी जो सबसे फेवरेट, सभी की फेवरेट होती है और सारे बच्चे ना रात भर जगे थे। तो मैं इसके बाद झांके बाद काली माता जी की जो हर झांकी होती है ना उसका वेट कर रही थी। और ऑलमोस्ट 2:30 बज गए थे, काव्या सो चुके थे, तो काव्या के डैडी ने बोला आप इसको घर ले जाओ अदरवाइज़ की तबीयत और ख़राब हो जाएगी, तो मैं घर आ गई थी। और इसके बाद मैं नहीं गई हूँ नीचे। ओह गॉड, 2:30 बजे मैं तो काली माता की झांकी के लिए वेट करती थी, अभी झांकी आई तो मैं काव्या को नीचे ले गई बट काव्या ने नीचे सो गई और अब मैं ऊपर आ गई हूँ, मुझे नहीं लग रहा कि अब कोई झांकी आएगी।
तो अब मैं सुबह मिलती हूँ तारा रानी के दर। यहाँ पे शिव पार्वती जी की झांकी, हमें हस्बैंड ने शूट किया था और जूम करके किया था, वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं थी, तो ये मेरे से मिस हो गई थी। काली माता जी की आई नहीं थी क्योंकि उनको थोड़ा वॉमिटिंग हो गया था, तो वो झांकी नहीं हुई थी। बाकी माफ कर देती माता रानी, और कहने लगी राजन आपने मेरा अपमान नहीं किया, आपने अपनी जन्म देने वाली माँ का अपमान किया, क्योंकि इस दुनिया में भगवान श्री राम का भी दर्जा नहीं है जितना उस जन्म देने वाली माँ का है। कि कदमों में झुकी जिसकी सारी खुदाई, और आज के नौजवान ने अपनी अपनी माँ को कर दिया है पराई, क्योंकि तू जो ना होती तू माँ मैं भी ना होता, और आंचल की छांव में कैसे सोता, आंचल की छांव में कैसे सोता। और गीतों का आनंद ले रहे थे सभी लोग, और मैं नहीं जा पाई तो मेरे हस्बैंड ने थोड़ी सी वीडियो क्लिप शूट की थी दिखाने के लिए, तो मैंने ये भी वीडियो इसमें ऐड कर दिया है, तो वो डांस कर रहे हैं। और ये सुबह के टाइम में हमारे यहाँ दशहरे की पूजा होती है, तो मम्मी मेरे को टीका लगाई थी, तो इसका जो ब्लॉग है नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बाय बाय।